हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूखे मेवे में शामिल होने वाले मखाने की, जो भारत के साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी लोग इसे फ्राई कर खाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग भूनकर खाना पसंद करते हैं, और कई लोगों को मखाने की खीर काफ़ी पसंद होती है। इन भिन्न तरीकों से बने हुए मखाने के स्वाद का लाभ उठाने के साथ साथ इसे सेहत से जुड़े कई लाभ उठाया जा सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, वसा और सोडियम कम होने से असामयिक भूख के लिए यह एक आदर्श नाश्ता है। अगर सही समय पर और सही मात्रा में इसे खाया जाए तो वजन कम करने में यह काफ़ी मददरूप बन सकता है। मखाना अगर दूध के साथ लिया जाए तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा ये प्रदान करती है, जिसकी वजह से हड्डियों को यह मजबूत बनाता है। पेट संबंधी समस्या दूर करने में भी यह मददरूप है। मखाना दिल को स्वस्थ रखता है और कमजोरी दूर करने में भी काफ़ी सहायक है। सुबह खाली पेट मखाना खाना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट और सूक्ष्म पोषक तत्वों में समृद्ध है और हृदय स्वास्थ्य, रक्त शर्करा प्रबंधन और वजन घटाने का समर्थन करता है। आप इसे सुबह हल्के घी में रोस्ट करके मुट्ठी भर खाएं तो यह शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्ब्स और प्रोटीन की कमी को तुरंत पूरा करता है। यह ग्लूटेन फ्री भी होता है। सुबह सुबह मखाना खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम की मात्रा कंट्रोल में रहती है और हड्डियाँ मजबूत बनती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को तनाव से भी दूर रखता है। इसमें मौजूद प्रोटीन की वजह से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और ओवर ईटिंग की संभावना कम हो जाती है। इसमें मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से डायबिटीज़ के मरीजों को मखाना खाने की सलाह दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा बेहतरीन स्वाद के साथ यह सेहत के लिए भी काफ़ी गुणकारी है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।